अक्सर हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये देखने के इंटरेस्टेड होते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो पे, अक्सर एल्गोरिदम्स भी हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं. नियरेस्ट नेबर एल्गोरिदम बड़े फेमस एल्गोरिदम्स हैं जिसमें जो है हम नियरेस्ट नेबर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. ठीक है, तो अक्सर स्पेशल क्वेरी जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अब मिसाल के तौर पर मुझे इसको बताना है कि भाई तुम्हारा नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है जहाँ से तुम, जैसे अभी आजकल बात हो रही है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको पैसे दे रही है, ये जो ऐसी फैमिलीज हैं, तो अब कोई जिस फैमिली को उन्होंने लोकेट किया है उस फैमिली को उन्हें बताना होगा कि वो नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है जहाँ से आप वो पैसे कलेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि अगर ये ऐसा ना करेंगे तो फिर बड़ा एक मैसअप क्रिएट हो जाएगा. तो जितने भी जो डिजर्व करते हैं लोग उनको अपने नियरेस्ट पॉइंट पे जाना है. तो यहाँ पे भी इसी तरह की एप्लीकेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी GIS बेस्ड या GPS बेस्ड एप्लीकेशन हो जिसके बैक एंड पे डेटा अवेलेबल हो मेरे पास, ताकि वो नियरेस्ट से नियरेस्ट प्लेस से उसको कलेक्ट कर सके, ताकि हम उसकी जो मूवमेंट है लोगों की उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें. जैसे आजकल का सिनेरियो है तो हम उस मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, और ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है. मिसाल के तौर पे इफ यू टॉक अबाउट फ्लाइट सिस्टम्स, फ्लाइट सिस्टम्स में हमेशा हर वक्त ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि जब हम फ्लाई कर रहे होते हैं जो नियरेस्ट लैंडिंग पॉइंट है वो कौन सा है. एक तो वो पॉइंट है जहाँ उसने लैंड करना है और एक नियरेस्ट लैंडिंग पॉइंट हर वक्त आ रहा होता है, इसलिए कि इन एनी केस ऑफ एमरजेंसी जब हमें लैंड करना पड़ता है तो हमें परमिशन रिक्वायर करनी पड़ती है. इस तरह की बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो नियरेस्ट नेबर के ज़ुमरे में आती हैं. एंड वी हैव टू हैव सर्टेन ऑपरेटर सो डैट वी कैन एग्जीक्यूट दैट क्वेरी. तो अच्छा, अब जब ये क्वेरीज एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें स्पेशल ज्वाइंस या ओवरलेस का कॉन्सेप्ट भी आता है. जब हम ज्वाइंस कहते हैं तो ज्वाइंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन सम स्पेशल कंडीशन इंटरसेक्टिंग ओवरलैपिंग विदिन द कार्टेशियन डिस्टेंस एटसेट्रा. अब दो रोड्स हैं, जैसे मैंने अभी कहा था रोड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं लाइन टाइप को. तो अब मैं कराची के मैप के ऊपर ये देखना चाह रहा हूँ कि इस रोड के ऊपर कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं. तो अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डेटाबेस में और मैं इसको क्वेरी करना चाहता हूँ तो वो क्वेरी मुझे बता सकती है कि कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं या कितने ओवरलैपिंग इंस्टेंस हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. सो डिफरेंट या पॉइंट लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है. लाइन लाइन के ऊपर भी हो सकती है, ये भी पॉसिबल है. लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है किसी पॉलीगॉन को, ये भी हो सकता है. लाइन टच कर रही है किसी पॉलीगॉन को, ये भी हो सकता है. ठीक है, पॉइंट्स किसी पॉलीगॉन में लाए करते हैं, ये भी हो सकता है. सो ऑन सो फोर्थ. तो देयर आर डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट लाइन एंड पॉलीगॉन्स. फिर पॉलीगॉन्स में अगर फर्दर चले जाएं तो पॉलीगॉन्स विद इन पॉलीगॉन्स भी हो सकते हैं. तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक पॉलीगॉन है क्या वो किसी और पॉलीगॉन के अंदर है, तो जैसे हमारा सिटी का स्ट्रक्चर होता है तो सिटी के स्ट्रक्चर में वी हैव एज यू नो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील होती है, फिर उसके नीचे भी कुछ हायरार्की एग्जिस्ट करती है और करते करते बिल्कुल लोअर लेवल पर हम आ जाते हैं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब स्पेशल जॉइंट्स या ओवरलेज में हम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, अच्छा इन ऑफ कोर्स जब हम ये क्वेरीज रन करते हैं, अच्छा वो जो ये तो हो गई पॉइंट लाइन और पॉलीगॉन, और जो दूसरा था दैट इज कॉल्ड रास्टर. तो रास्टर जो है वो आमतौर से यूज करते हैं हम इमेजेस, इमेज बेस्ड क्या कहना चाहिए, स्पेशल सिस्टम्स, यानी मिसाल के तौर पे जो सैटेलाइट इमेजेस हम जनरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल के हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर या ओशंस में क्या चेंज आ रहे हैं, इसको ओशनोग्राफी कहते हैं. कि ओशंस के तो मुख्तलिफ हमारे पास इमेजेस हैं जो वहाँ से अवेलेबल हैं, और फिर हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या डिफरेंस है एक इमेज से दूसरे इमेज के अंदर. तो वो बाय दैट वी कैन डू दैट. सो आर्ट्रीज, आर्ट्रीज आपने पढ़ा होगा आपके बेसिक कोर्स में भी शामिल था कि आर्ट्रीज इटसेल्फ इज व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेरे पास बेसिकली जो है एक रूट नोड है, फिर रूट नोड से मेरे पास पेरेंट नोड्स हैं, फिर पेरेंट नोड से फिर चाइल्ड नोड्स हैं, और उनके दरमियान एक खास किस्म की हायरार्की है. वेयर द ग्रुप ग्रुप ऑब्जेक्ट क्लोज इन स्पेशल प्रॉक्सिमिटी ऑन द सेम लीफ नोड्स ऑफ अ ट्री स्ट्रक्चर्ड इंडेक्स. तो एक तरह का ये स्ट्रक्चर्ड इंडेक्स भी कहलाता है जिसके थ्रू हम कुछ ही नेविगेट कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन को जिसको हम देखना चाहते हैं.
सर बिलाल बिलाल है सर, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैंने रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट किया आपको अगर एक्सेप्ट। हां श्योर। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैंने देखा तुमने मेरे पास आई भी तो नहीं है। अच्छा मेरे पास आ रहे हैं, आप परमिशन देंगे तो फिर हो सकेगी। एक मिनट यार, बेटर बिलाल एक बार और भेज दो रिक्वेस्ट। मेरे पास ऑप्शन में तो ये दोबारा तो रिक्वेस्ट नहीं आ रही कहीं भी। इसमें रिकॉर्ड मैं खुद कर सकता हूँ, मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अच्छा नहीं ठीक है, मैंने अपना पीसी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया। हो रहा है, मैं अपने एंड पे रिकॉर्ड कर लूँ, मैं अपने एंड पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाँ, आप भी कर लें। वैसे तो आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। रिजवान कहाँ से है ये ऑप्शन बताओ मुझे, मुझे नहीं समझ। ये जो ऑप्शन है सर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुकें। वैसे सर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्डिंग, तो कोई ना कोई मैनेज पार्टिसिपेंट आ रहा है ना आपके पास। मैनेज पार्टिसिपेंट बिल्कुल आ गया। मैनेज पार्टिसिपेंट पे ना आप जब माउस होवर करेंगे ना तो वहां पर एक एरो बना हुआ आएगा, दो ब्लू कलर के एरो आएंगे, जो राइट वाला है ना उस पर जब आप एरो पे क्लिक करेंगे तो हाँ। फिर ना उस पर लिखा हुआ आएगा अलाउ टू रिकॉर्ड। नहीं मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है सर, मेरा हो गया है, ओपन हो गया मेरा। ओके फाइन, मैंने अपने पास रिकॉर्ड, मैंने अपने पास भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, मसला नहीं, हम शेयर कर लेंगे। तो आरटी इटसेल्फ, इट्स व्हाट इज द स्ट्रक्चर। तो जिस तरह हम नॉर्मल क्वेरीज जब हम पढ़ रहे थे नॉर्मल क्लासिकल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो वहां हमने पढ़ा होगा बी ट्रीज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो सब क्यों यूज कर रहे होते हैं, इसलिए कि वो पाथ जनरेट करते हैं सो दैट वी कैन रिट्रीव दैट पर्टिकुलर डेटा आइटम फ्रॉम आवर डेटाबेस या फ्रॉम आवर मेमोरी व्हिच इज देयर द फिजिकल मेमोरी। तो इसी तरह से आर्टरी का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इस कोर्स में आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। फिर इसी से एक और कॉन्सेप्ट निकलता है क्वाड्रीज का, जिसमें हम हर ट्री को क्वाड यानी चार में ब्रेक कर देते हैं, उसके हर पेरेंट के चार चाइल्ड हैं और फिर उसकी एक खास कंपोजिशन है जो कि एग्जिस्ट करती है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट दैट इज अबाउट स्पेशल क्वेरीज। स्पेशल क्वेरीज में और क्या क्या चीजें अभी हमने पीछे देखी थी, इसमें इसके अलावा अगर कुछ है तो हम देखते हैं। नियरनेस क्वेरीज, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट दैट लाई नियर अ स्पेसिफाइड लोकेशन, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑन, तो ये इसी में कवर हो जाते हैं नियरनेस में। अक्सर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि किसी खास पॉइंट से कितने ऑब्जेक्ट्स करीब है और किसी खास लोकेशन पे उन्हें पहुंचना है। मिसाल के तौर पे मैंने जब वो पीएचडी का अपने स्टूडेंट को काम कराया था हज पिलग्रिम्स के ऊपर, तो वहाँ पे भी ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि हम ये ऑब्जर्व करना चाहते थे कि कितने पिलग्रिम्स जो हैं इस पॉइंट के नज़दीक पहुंचे या नहीं पहुंचे। नियरेस्ट नेबर क्वेरी इज गिवन अ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट, फाइंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट दैट सैटिस्फाइज गिवन कंडीशन। तो किसी भी गिवन पॉइंट के ऊपर, गिवन पॉइंट से क्या मतलब है, यानी किसी गिवन पॉइंट के ऊपर किस उस पाथ के ऊपर किसी भी जगह पे अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, फाइंड द नियरेस्ट ऑब्जेक्ट दैट सैटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। तो जो दूसरा नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर अवेलेबल है वो हम इस क्वेरी से जनरेट कर सकते हैं, नियरेस्ट नेबर क्वेरी से। फिर तीसरी चीज इसमें आ जाती है रीजन क्वेरीज, डील विद स्पेशल रीजन्स। रीजन्स जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम रीजन्स की बात करते हैं, रीजन मीन्स इन अवर टर्म्स हम उसको पॉलीगॉन में रिफ्लेक्ट करते हैं रीजन्स को, और ये रीजन जो है ये डिपेंड करता है कि अपने प्रॉब्लम में किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। डील विद आस्क फॉर ऑब्जेक्ट एट लाइव पर्टिकुलरली और फुली इन साइड स्पेसिफाइड रीजन। तो जैसे मैं अभी हज वाली एग्जाम्पल दे रहा था, तो उस हज वाली एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो हज वाली एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि वो स्पेशल टेम्पल की बड़ी अच्छी एग्जाम्पल थी, हमने उसको पी एच डी के काम में यूज किया, इम्प्लीमेंट किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया था। तो उसमें ये था कि हज के अंदर जो हाजी है वो मेरा स्पेशल टेम्पल ऑब्जेक्ट था, तो हम इंटरेस्टेड थे कि वो उस गिवन टाइम के ऊपर उस लोकेशन पे है या नहीं है। मसलन वो लोकेशन कौन सी है, वो लोकेशन जो है मसलन जो है मीना के अंदर वो है या नहीं है,
या मुजदलफा में वो है या नहीं है, ठीक है, या मैदान अरफा में वो है या नहीं है, तो ये सब ने रीजन डिफाइन किए थे और फिर हम ये क्वेरी रन करके ऑब्जर्व कर रहे थे कि वेदर वो इसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं कर सकते. क्वेरीज दैट कंप्यूट इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ रीजन. अच्छा, और जब रीजन होंगे तो रीजन में फिर इंटरसेक्शन भी होगा और यूनियन भी होगा. इंटरसेक्शन हमेशा ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो रीजन जो है वो आप खुद देखते हैं ओवरलैप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. कि मेरे पास एक रीजन है और एक और रीजन है, दोनों आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, दो अलग बाउंड्रीज हैं लेकिन दोनों के अंदर कोई कॉमन पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है इन सर्टेन एग्जांपल्स. लेकिन जरूरी नहीं हर एग्जांपल में इंटरसेक्शंस होल्ड करेंगे, लेकिन विद द गिवन प्रॉब्लम जिसको मैंने मॉडल किया है उस प्रॉब्लम में मुझे देखना है कि इंटरसेक्शन है या नहीं है. इसी तरह यूनियंस, तो यूनियन भी हो सकते हैं बिल्कुल. तो अगर लेट सपोज यू वांट टू कंबाइन टू और थ्री रीजन टुगेदर, तो अक्सर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, मैं एक रीजन में नहीं ऑब्जर्व करना चाहता, मैं दो रीजन में या दो से ज्यादा रीजन में ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उनको ज्वाइन कर सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ, एंड दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड यूनियन ऑपरेशन. तो रीजन पे यूनियन ऑपरेशन भी अप्लाई हो सकता है. इसी तरह से ज्वाइन हमने पढ़ा था जब हम रिलेशनल डेटाबेस पढ़ते थे, पढ़ा आप लोगों ने, तो रिलेशनल डेटाबेस में आपने पढ़ा ज्वाइन क्यों इस्तेमाल करते थे. ज्वाइन हम इस्तेमाल करते थे व्हेन एवर वी आर इंटरेस्टेड टू हैव डेटा फ्रॉम टू और मोर टेबल्स. तो जब एक क्वेरी हम ऐसी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जो दो या दो से ज्यादा टेबल पे एग्जीक्यूट करती है, देन वी यूज then we use the join. In case of temporal databases, we use the term temporal join. यानी वहाँ पे जो join है वो base करता है time के ऊपर. तो वो जो सिर्फ दो table जिनसे हम query कर रहे हैं उसको जब हम join करते हैं तो जो time का attribute है वो भी साथ add up होता है. इसी तरह से यहाँ पे special join का concept है. तो special join में ऑफ कोर्स जब हम किसी भी दो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स के दरमियान के ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स जो लोकेशन होगी वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी और मेरा ज्वाइनिंग एट्रीब्यूट क्या है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मैं किस से ज्वाइनिंग. हो सकता है मैं दो मुख्तलिफ लेट एंड लॉन्ग वैल्यू दे दूँ उनके जरिए मैं ये ज्वाइन अप्लाई करना चाहूँ दोनों के दरमियान, तो उन दोनों के दरमियान कोई कॉमन पॉइंट या कॉमन ग्राउंड होना चाहिए जिसके ऊपर वो ज्वाइन हो सकता है. जैसे तुम लोग जब सिंपल ज्वाइन लेते थे रिलेशनल डेटाबेस में, तो हम ज्वाइन जब भी दो टेबल के दरमियान लेते थे तो हम ये कहते थे कि देयर इज एन एट्रीब्यूट व्हिच इज कॉमन इन बोथ द रिलेशंस. या तो इस तरीके से देख लें इसको, या इसको इस तरीके से देखते थे कि इफ यू हैव एनी क्वेरी बाय व्हिच यू कैन हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम टू और मोर टेबल्स. अच्छा, दो टेबल्स अगर आपस में उनका ज्वाइन ही नहीं है तो मैं उन दोनों या तीनों टेबल से कोई कंबाइंड क्वेरी एग्जीक्यूट ही नहीं करा सकता, वो हो ही नहीं सकता. तो इसी तरह से ये जो ज्वाइंट्स हैं इसमें रीजन के साथ ज्वाइन हो सकता है, इसी तरह से रीजन का लाइन के साथ ज्वाइन हो सकता है, और इसी तरह से मुख्तलिफ जो पॉइंट है उनका भी ज्वाइन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि मेरा जो रिलेशन का स्ट्रक्चर है उसमें मैं कौन सी वैल्यूज रख रहा हूँ, कौन सी स्पेशल इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है. That is important in case of special queries. Special data is typically queried using a graphical query language. Results are also displayed in a graphical manner. अच्छा, special में खास तौर पे बाकी जो temporal databases हैं या even जो classical databases हैं उनमें भी खैर अब काफी हद तक लोग results जो हैं उनको graphical manner में observe करते हैं. लेकिन स्पेशल डेटा का तो मसला ये है कि स्पेशल डेटा में तो जाहिर बात है अगर आप ये क्वेरी परफॉर्म कराएंगे और वो आपको बहुत सारे पॉइंट जनरेट करके दिखा देगा तो वो पॉइंट तो आपके लिए समझ में नहीं आएंगे. लेकिन अगर उसी इंफॉर्मेशन को वो ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है तो फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होंगे, जो आउटपुट्स होती है ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होती है. तो आमतौर से जो भी स्पेशल डेटा पे क्वेरीज की जाती है अक्सर आपने देखा होगा GIS बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर जब आप कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं तो वो उस ग्राफिकली उस एरिया को हाईलाइट करके बाहर ले आता है. या मिसाल के तौर पे आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि पॉपुलेशन वाइज इसको ब्रेक कर दो तो वो उसके ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स को सामने ले आता है या उनके कलर्स को एक्सपोज करता है या उनकी बाउंड्रीज को एक्सपोज करता है. बट इन एनी वे that is using the graphical query language for that purpose.
And of course, for that purpose, you need a very strong graphical interface that constitute the front end. So jab bhi main aur aap special database ko organize karenge, main aur aap special database ko design karenge, to ek cheez ka mujhe aur aapko khayal karna padega, and that is that we must have a strong graphical interface. Jab tak mera strong graphical interface nahi hoga, iski understanding nahi hogi. Maslan jaise main abhi example de raha tha ki aapne ek ambulance management system jo hai usko aapne ek special database application mein design kiya hai, to jab tak ki aap usko graphically view nahi karoge ya uski ek app, let's suppose aam aadmi ke liye uski ek app available hogi jo uske mobile pe hogi, lekin us even us app pe bhi jab tak ki wo graphically usko observe nahi karega ya usko graphical interface nahi hoga, jab tak uska advantage nahi hai. So we can look into a certain place, we can go into a certain region, we can pinpoint a particular information using that graphical interface. So aksar hum is interface ko istemal kar rahe the extension of SQL with a struct data type such as jaise main pehle discuss kar raha tha. To fir kya karna padega, of course agar mujhe graphical data ko represent karna hai ya special data ko represent karna hai, then we need to have the provision of abstract data types जिसमें मैं मुझे मुझे ये फ्रीडम हो कि मैं लाइंस को भी डिफाइन कर सकूं, मैं पॉलीगॉन की डेफिनेशन भी दे सकूं. पॉलीगॉन आपको पता है जब लाइन की बात करेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ टू पॉइंट्स लिंक टुगेदर, जब पॉलीगॉन्स की बात करेंगे तो इट मस्ट बी थ्री और मोर पॉइंट्स. पॉलीगॉन के लिए हमेशा तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स होंगे तो वो पॉलीगॉन फॉर्म करता है. और ऑफ कोर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ बिट मैप्स एज वेल. Have been proposed to interface with backend. So, of course, ये provision मेरे पास होनी चाहिए backend के ऊपर ताकि मैं उसको इस तरीके से organize कर सकूँ और फिर मैं उसको access कर सकूँ. Allow ये database very Uber apps हैं जैसी. For example, हाँ, travel apps. ठीक है, बिल्कुल सही है. एक example है जिस, लेकिन इस ट्रैवल ऐप को मैं और आप सिर्फ इसे एक एप्लीकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन जो बैक एंड पे जिन्होंने डिजाइन किया है वो सर्टेन टाइम के ऊपर बहुत सारी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं ना. मसलन इस रीजन में इस वक्त कितने जो है ना वो पिकिंग्स हैं, इस रीजन में कितने जो है ना वो फ्री हैं, ठीक है, इस रीजन में लेस ट्रैफिक है उसमें, तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जो 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 उस एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को देख रहे हैं उनके पास की क्वेरी, लेकिन इस एंड पे ये क्वेरीज आपके पास नहीं होती क्योंकि आप उसके यूजर हैं, आप सिर्फ उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें. यू आर ओनली इंटरेस्टेड टू हैव दैट उबर और क्रीम अवेलेबल एट योर एंड एंड देन यू कैन मूव अराउंड. लेकिन जो ऑर्गेनाइज जो बैक एंड पे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी या होनी चाहिए. अच्छा, ये भी डिपेंड नहीं करता कि जरूरी नहीं है कि जहाँ पर ये एप्लीकेशन डिप्लॉय हो उनके लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट हो, डिपेंड करता है कि वो इन चीजों को कैसे कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं. मसलन अभी आपने कुछ अरसे से काफी अरसे से बल्कि सुना होगा एक प्रोजेक्ट चल रहा है दैट इज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट. मुख्तलिफ शहरों में काफी अरसे से ये शुरू हुए हुए स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट आपने सुना होगा. दी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट क्या है, ये भी एक स्पेशल की एप्लीकेशन है. क्या है कि इसके अंदर वी हैव दी स्मार्ट कैमराज इंस्टॉल्ड ऑन ऑल इम्पोर्टेंट लोकेशन ऑफ द सिटी. जो भी सिटी के जो मेन जगह हैं उनके ऊपर ये स्मार्ट कैमराज लगे हुए हैं और ये स्मार्ट कैमराज जो हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन को जनरेट कर रहे हैं. उस इंफॉर्मेशन को कैसे किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम उससे मजीद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बैक एंड पे मेरे पास डेटाबेस होना चाहिए, वो डेटा मेरे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए. सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि सर्वेलेंस हो रही है, अगर हम सिर्फ एक पोर्शन देंगे तो वो सर्वेलेंस का रह जाएगा कि मैं सर्वेलेंस कर रहा हूँ. सर्वेलेंस इज वन थिंग एंड द डेटा विच इज बीइंग जनरेटेड कैन बी यूज्ड टू टू प्रोसेस फर्दर इंफॉर्मेशन और टू एक्सेस अदर इंफॉर्मेशन विच इज अदरवाइज नॉट क्वाइट विजिबल. तो हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अलाउ द रिलेशनल डेटाबेस टू स्टोर एंड रिट्रीव स्पेशल, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग गाड़ियों में एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं बड़ी कॉमन है, हम वो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं. तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सिर्फ एक एप्लीकेशन है, हमें पोजीशनिंग दे रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है और हमें गाइड कर रहा होता है ग्राफिकल मोड में
गाइड कर रहा होता है, वॉइस मोड में भी गाइड कर रहा होता है, दैट्स इट. बट क्या मैं उस एप्लीकेशन को डेटाबेस पे मॉडल कर सकता हूँ, या मैंने उसको डेटाबेस पे मॉडल किया है बैकएंड पे, ताकि मैं एप्लीकेशन को कनेक्ट कर दूं और ये सारा डेटा बैकएंड पे अवेलेबल हो और इस डेटा को फिर मैं क्वेरी कर सकूं. तो कुछ सिस्टम्स में इन एप्लीकेशंस की जहां नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वहां तुम्हें डेटाबेस को मॉडल करना पड़ेगा, डेटाबेस खड़ा करना पड़ेगा बैकएंड पे. और अगर जहां सिर्फ एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, एक एप्लीकेशन की हद तक उसे इस्तेमाल करना है और यूज करना है और उस डेटा की फर्दर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, तो सिर्फ हम उस एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं, वहां वो क्वेरीज मैटर नहीं कर. तो डिपेंडिंग ऑन दी एप्लीकेशन इटसेल्फ, व्हाटएवर यू आर वर्किंग ऑन एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डेटा ओवर देयर. क्वेरीज कैन यूज स्पेशल कंडीशंस. फॉर एग्जांपल अभी हमने पीछे देखा था कंटेन्स या ओवरलैप या आफ्टरवर्ड्स या फॉलो अप या मुख्तलिफ इस तरह के बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो काम करते हैं. मसलन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी एक क्वेरी है मिसाल के तौर पर कि इस वक्त जो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कैंपस पे कितनी व्हीकल्स हैं. तो अब यूनिवर्सिटी कैंपस एक पॉलीगॉन है जो मेरे डेटाबेस में ऐसा पॉलीगॉन होगा और उसमें कितनी व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स उसमें जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को मैं देखना चाहता हूँ. तो ये कंटेन्स, इसके अंदर कंटेन्स लगेगा क्योंकि अब एक पॉलीगॉन हो गया और दूसरी चीज मेरे पास क्या आ गई, पॉइंट्स आ गए. तो उस पॉलीगॉन के अच्छा पॉइंट्स दो तरह के तरीकों से हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टेशनरी भी होते हैं और मूविंग भी होते हैं. तो स्टेशनरी है तो मिसाल के तौर पे स्टेशनरी अगर है तो मेरे जो पोस्ट ऑफिस के ड्रॉप बॉक्सेस हैं उनको भी हम ले सकते हैं एज अ पॉइंट, वो स्टेशनरी है लेकिन वो सिर्फ जगह पे लोकेटेड है और उनकी लोकेशन मेरे पास है. जब भी ऑब्जेक्ट्स, जब भी पोस्ट ऑफिस के लिए या तो लोग निकलते हैं अपनी पोस्ट को ड्रॉप आउट करने के लिए तो वो इंटरेस्टेड हैं कि वो कहाँ पहुँचे, सो ऑन एंड सो फॉर. तो स्पेशल क्वेरी कैन मिक्स स्पेशल एंड नॉन स्पेशल कंडीशंस. तो जरूरी तो नहीं है कि स्पेशल क्वेरी में सिर्फ स्पेशल ही कंडीशन लगेंगी, ओवरलैप लगेगा, कंटेन लगेगा, नॉन स्पेशल भी तो लग सकती है ना. मसलन मैं उन गाड़ियों में इंटरेस्टेड हूँ जो जो गाड़ियाँ जो हैं वो गवर्नमेंट नंबर प्लेट की हैं, तो अब इसमें स्पेशल भी है और नॉन स्पेशल पार्ट भी आ जाता है. या उन लोगों के डेमोग्राफिक डेटा में इंटरेस्टेड हूँ एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, तो ये मिक्सिंग ऑफ क्वेरीज भी होती है. अच्छा, विद दिस आई स्टॉप ओवर हियर फॉर 10 मिनट्स, सो देयर विल बी अ 10 मिनट्स ब्रेक, ओके, एंड आफ्टर 10 मिनट्स वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. ठीक है? ठीक है सर. ओके सर. ओके, श्योर सर. ओके, थैंक यू सर. ठीक है सर, थैंक यू सो मच.